नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 8 दिसंबर। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और अन्य जिलों की बड़ी खबरों को। आज इस वीडियो में देखेंगे सिवान में क्यों एकाएक सड़कों पर मच गया हड़कंप, और देखिए इस अनोखी शादी के खूब चर्चे। दो जजों ने संविधान के लिए शपथ सिंदूरदान न साथ फेरे और डाल दी वरमाला। और देखिए गोवा जाने का कर रहे हैं प्लान, तो जरूर जान ले ये नई कोविड ट्रैवल गाइडलाइंस। और देखिए क्यों अधिकतर प्रखंडों में अब भी खाद की किल्लत बरकरार। और इस वीडियो में देखिए बिहार पंचायत चुनाव 10वें चरण के लिए 8 दिसंबर को वोटिंग देने इस तारीख को होने के परिणाम घोषित। चलिए फटाफट जानते हैं इन सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के महाराजगंज में प्रशासन दल बल के साथ सड़क पर उतर गई और मास्क चेकिंग करने लगी, लोगों का चालान भी काटा गया। वहीं इस दृश्य को देखकर पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्थ कुमार के द्वारा बाइक एवं चार पहिया वाहन को रोक कर जांच किया जा रहा था, उस पर बैठ के यात्री मास्क पहने हुए है या नहीं। अगर कोई नहीं पहना रहता था तो उसका चालान काटा जा रहा था। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्थ कुमार ने बताया कि यह अभियान प्रतिदिन चलाया जाएगा। अगली खबर, छपरा जिले में खाद की किल्लत अब भी अधिकतर क्षेत्रों में बनी हुई है। कहीं कहीं थोड़ा स्टॉक है तो डिमांड के मुताबिक काफी कम है। कुछ केंद्रों पर सिर्फ यूरिया ही उपलब्ध है, जबकि कई जगह ताला लटक रहा है। खाद के लिए भुगतान करने के बाद भी उपलब्धता न होने से किसान परेशान है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में बुधवार यानी आज होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सिधवलिया थाने की पुलिस ने विभिन्न पंचायतों में फ्लैग मार्च किया। थाना अध्यक्ष रंजीत पासवान ने बताया कि सिधवलिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाली बरौली प्रखंड की 9 पंचायतों में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इससे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच रहा। अगली खबर, आपने बिना दान दहेज की सादगीपूर्ण शादियां तो देखी होगी, लेकिन यहां मामला जरा हटकर है। हम बात कर रहे हैं पटना के अम्रपाली रेस्टोरेंट में हुए दो जजों की शादी की। सोमवार को उन्होंने बगैर परंपरागत रीति रिवाज के संविधान की शपथ लेकर शादी की। इसमें पंडित न बैंड बाजा और न ही बाराती दिखे। कन्यादान, सिंदूरदान व अग्नि के साथ फेरे की रश्में भी नहीं हुई। खगड़िया व्यवहार न्यायालय में जज आदित्य प्रकाश तथा पटना व्यवहार न्यायालय में जज आयुषी कुमारी की पटना में हुई शादी की खूब चर्चे हो रहे हैं। अगली खबर, बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे के बाद थम गया। 10वें चरण के बिहार के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को होने वाले 10वें चरण के चुनाव में कुल 24,820 पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के 10,981 पद, मुखिया के लिए 817 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,106 पद, जिला परिषद सदस्य के लिए 118 पद, ग्राम कचहरी पंच के लिए 10,981 पद और सरपंच के लिए 817 पद शामिल है। बता दें कि 10वें चरण में कुल प्रत्याशी की संख्या 93,724 है, जिसमें 42,953 पुरुष प्रत्याशी और 50,772 प्रत्याशी शामिल है। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण का चुनाव परिणाम 10 और 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। अगली खबर, भारत में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद कई राज्यों में चिंता बढ़ गई है। वैक्सीन के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता के कारण नए संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कड़ी की गई है। ऐसे में अगर आप भी गोवा जाने की तैयारी में हैं तो जान ले डोमेस्टिक या हो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पूरी गाइडलाइंस। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर APHO द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी है। उच्च जोखिम वाले देश जिसमें यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। यहां से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त जांच से गुजरना होगा। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।